दोस्तों, हिंदू धर्म में पशु पक्षियों को खाना खिलाने का एक विशेष महत्व है। इन्हीं प्राणियों में से एक है गौमाता। गाय को हिंदू धर्म में न सिर्फ माँ के समान माना जाता है, बल्कि उन्हें देव्य रूप माँ कर पूजा भी की जाती है। गाय को खाना खिलाना शुभता की निशानी के तौर पर देखा जाता है। माना जाता है कि गाय को खाना खिलाने से या चारा डालने से घर की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ तक कि गाय की सेवा से अखंड पुण्य भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, प्राचीन काल से गाय को रोटी खिलाने की परंपरा चली आ रही है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों पहली रोटी किसी और जीव के लिए नहीं बल्कि एकमात्र गाय के लिए ही निकाली जाती है। दोस्तों, पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति गाय को अन्न खिलाता है तो वह उन सभी देवी देवताओं को अर्पित हो जाता है, जिसे पाकर सभी देव और देवतियाँ प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ गाय को खाना खिलाने से ही सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना हो जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि गाय को पहली रोटी खिलाने की परंपरा सृष्टि के आरंभ से ही चली आ रही है। बता दें कि गाय को रोटी खिलाने से जीवन में संपन्नता आती है, व्यक्ति का घर सुख समृद्धि से भरा जाता है। गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति के जीवन में जल्दी जल्दी तरक्की करता है और उसे उसके पाप कर्मों के फल से मुक्ति मिल जाती है। इसके अतिरिक्त गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यहाँ तक कि बैठी हुई गाय को गुड़ खिलाने से व्यक्ति कर्ज के बोझ से छुटकारा पा जाता है। वैसे देखा जाए तो गाय को रोटी के खिलाने के फायदे तो बहुत है, लेकिन कुछ नियम भी है जिनका अगर पालन किया जाए तो गाय को खिलाई गई रोटी का पुण्य भी मिलता है। जैसे कि कोई भी कभी भी सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए, रोटी में गुड़ या चीनी रखकर जरूर दे। इसके अलावा गाय की रोटी में थोड़ी सी हल्दी भी मिलाए। खास तौर पर गुरुवार के दिन सने हुए आटे की लोई बनाकर उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। गाय को रोटी खिलाना शुभ तो होता ही है, लेकिन इस बात का ध्यान भी रखें कि गाय को रोटी खिलाने के नियमों में लापरवाही न बरते। दोस्तों, जो अनाज हम खाते हैं वह हमें किस प्रकार मिलता है, इसकी गहराई के बारे में हम कभी नहीं सोचते। हमें लगता है कि हमने पैसा खर्च किया है और यह हमें मिल रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। हमें मिलने वाले अनाज के पीछे धरती, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, पवन आदि देवी देवताओं का योगदान होता है। यदि वह न हो तो हमें फल, सब्जी, अनाज कभी भी प्राप्त नहीं होगा। गीता में भगवान ने कहा है कि उन देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष देवताओं को दिए बिना स्वयं भोगता है वह चोर है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न को पकाते हैं वह खाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं। बता दें कि पहले बलि वेश का चलन था, लेकिन किंतु अब उतना कर्मकांड संभव नहीं है। गाय में उन सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए सर्वप्रथम गाय को रोटी खिलाई जाती है, उससे उन सभी देवी देवताओं का अंश प्राप्त हो जाए जिससे यह प्रक्रिया चल रही है। हालांकि कुत्ते को अंतिम रोटी देने का अभिप्राय यह है कि कुत्ता काल भैरव का प्रतिनिधि है, और धार्मिक मान्यता के अनुसार कुत्ते को रोटी देने से घर में किसी की अकाल मृत्यु से सुरक्षा रहती है। दोस्तों, कभी कभी हमारे मन में एक सवाल उठता है कि हिंदू धर्म में गाय को माता क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गाय को हिंदू धर्म में माता कहा जाता है। इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र जानवरों में से एक माना जाता है। गाय धन, संतोष और उर्वरता का प्रतीक है। वे कृषि, उपज और समृद्धि से भी जुड़े हुए हैं। गाय के बारे में कई कथाएं हैं जो हिंदू शास्त्रों में बताई गई है। ये बताते हैं कि कैसे गाय सदियों से मानव जीवन का हिस्सा रही है और कैसे उन्होंने समय के साथ दूध, ईंधन, खाद और आदि उपलब्ध कराकर इंसानों को आगे बढ़ाने में मदद की है। गाय भारत में सदियों से एक महत्वपूर्ण पशु रही है, क्योंकि यह दूध, ईंधन, खाद आदि प्रदान करती है। दुनिया भर की कुछ संस्कृतियों में से एक संसाधन और एक पालतू जानवर के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन हिंदू धर्म के लोग इन्हें इससे कुछ अधिक रूप में देखते हैं। वे उन्हें पवित्र प्राणियों के रूप में देखते हैं जो मनुष्य को जीविका प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता का रूप इसलिए माना जाता है क्योंकि वह दूध और जीविका प्रदान करती है, उसे पवित्र पशु माना जाता है। गाय का दूध भी माँ के दूध का प्रतीक है और इसलिए इसे माँ कहा जाता है। भारत में गाय वैदिक काल से ही पूजनीय रही है। प्राचीन शास्त्रों में इसे सभी जानवरों की माँ के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गाय को भगवान ने मानव जाति के लिए लाभ के लिए बनाया था, और इसलिए हिंदू धर्म में इसका वध करना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, वहीं अगर गौ माता के महत्व की बात की जाए तो पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाय को किसी भी रूप में सताना घोर पाप माना गया है। उसकी हत्या करना तो नर्क के द्वार खोलने के समान होता है, जहाँ कई जन्मों तक दुख भोगना होता है। भारत में गाय को देवी का दर्जा प्राप्त है। गाय के भीतर देवताओं का वास माना गया है। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर गाय की विशेष पूजा की जाती है और उनका मोरपंख आदि से श्रृंगार किया जाता है। सनातन परंपरा में पूजने माने जाने वाली गाय, जिसे हम माँ कहकर भी बुलाते हैं, उसकी पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। मान्यता है कि एक गाय में कई देवी देवता निवास करते हैं।
यही कारण है कि जिस घर में गाय की सेवा होती है उस घर से जुड़े सारे दोष दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में गाय की महिमा का बहुत बखान करता है। गाय से जुड़ी सभी चीज़ें जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, गोबर, गौमूत्र आदि सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। गौ माता का सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि ज्योतिषी महत्व भी है। तो आइए गाय की पूजा का महत्व और उसकी सेवा से जुड़े सरल उपाय जानते हैं। नवग्रह की शांति के संदर्भ में गाय की विशेष भूमिका होती है। कहा तो यह भी जाता है कि गोदान से ही सभी अनिष्ट कट जाते हैं। शनि की दशा, अंतरदशा और सड़े साथी के समय काली गाय का दान मनुष्य को कष्ट मुक्त कर देता है। मंगल के अनिष्ट होने पर लाल वर्ण की गाय की सेवा और निर्धन ब्राह्मण को गोदान मंगल के प्रभाव की क्षीण करता है। बुध ग्रह की अशुभता निवारण हेतु गाय को हरा चारा खिलाने से बुध की अशुभता नष्ट हो जाती है। गाय की सेवा, पूजा, आराधना आदि से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और भक्तों को सुखमय होने का वरदान भी देती है। गाय की सेवा मानसिक शांति भी प्रदान करती है। दोस्तों, गाय को हफ्ते में किस दिन रोटी खिलानी चाहिए और उसका हमें क्या फ़ायदा मिलता है, तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है और रोजाना पहली रोटी गाय को खिलाने के लिए कहा जाता है। माना जाता है कि रोजाना गाय को रोटी खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा मिलती है। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है, साथ ही कई तरह के दोषों समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष के अनुसार यदि हफ्ते के 3 विशेष दिनों में गाय की पूजा करें और रोटी खिलाए तो कई तरह के दोष और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 3 दिनों के बारे में जिस दिन आपको गाय को रोटी खिलाना शुभ माना जाता है। रविवार के दिन गाय को रोटी खिलाना। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो उसे हर रविवार को गाय को घी लगी रोटी खिलाना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य मजबूत होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे सफलता मिलने लगती है। मजबूत सूर्य अच्छी सेहत और प्रभावी व्यक्ति भी देता है। सूर्य ग्रह का शुभ होना जातक को अच्छा लीडर भी बनाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि गुरुवार को गाय को रोटी खिलाने से क्या होता है। दोस्तों, कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो जातक को हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद गाय को गुड़, चना और चने की दाल खिलाना चाहिए। ऐसा करने से गुरु मजबूत होता है। शुभ गुरु सुख, सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन देता है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप शनिवार के दिन गाय को रोटी खिलाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा आपको मिलता है। दोस्तों, शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। यदि शनि की सड़े साथी ढैया चल रही है तो उसके कष्टों से निजात पाने का सबसे अच्छा उपाय है कि हर शनिवार को काली गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से शनि के कष्टों और शनि दोष से राहत मिलेगी। कैरियर में आ रही बाधाएं दूर होगी। धन की कमी में आवक बढ़ेगा। बीमारियों के कष्ट दूर हो जाएंगे। हालांकि इन 3 दिनों के अलावा भी आप हर अमावस्या, पूर्णिमा, पितृपक्ष और सभी तीज त्योहारों पर गाय को रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से पूजा पाठ का पूरा फल आपको मिलेगा और उसके फायदे आपको बहुत सारे देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी की जन्म कुंडली में बड़ा दोष है, उसके ग्रह प्रतिकूल हो या वह किसी संकट में हो तो गाय की सेवा से हर तरह की बुरी स्थिति टल जाती है और देवी देवता उसकी रक्षा करते हैं। इसी वजह से हिंदू धर्म में बड़े बुजुर्ग और साधु संत गौ माता की सेवा करने के लिए कहते हैं। हमारे घरों में गायों का पालन भी किया जाता है। वहीं दूसरी ओर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप सही समय पर गौ माता को सिर्फ एक रोटी खिला देते तो उसका भी फल आपको मिलता है। हर तरह के कष्ट मिट जाते हैं और सुख शांति आती है। हिंदू धर्म के अनुसार गाय को रोटी पूरे दिन में विशेष मुहूर्त पर खिलानी चाहिए। अगर आप इस मुहूर्त पर गाय को रोटी खिलाते हैं तो चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो वह दूर हो जाती है। आइए जानते हैं गाय को रोटी खिलाने का सही समय। दोस्तों, राहु के खराब होने से जीवन में दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, संतान का सुख नहीं मिलता है और परिवार में विपदाएं आती रहती है, गरीबी छोड़कर नहीं जाती है। ऐसी स्थिति में दोपहर 12 बजे से 7 अलग अलग तरह का अनाज को पीसकर उसकी रोटी या जौ और ज्वार से बने आटे की रोटी काली गाय को खिलाई जा सकती है, जिससे आपका राहु दोष सही हो जाता है और आपके जीवन में शांति आती है। वहीं दूसरी ओर आपके नज़दीक गौशाला में से किसी एक गाय की जिम्मेदारी उठाने से भी कई तरह के संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य निर्बल है तो आप रोजाना गाय को साबुत गेहूं खिलाएं। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा और बाकी के 9 ग्रह की स्थिति भी अच्छी रही होगी। वहीं सुबह के समय गाय के दूध से बना मक्खन खाने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। इससे राहु और शनि की वजह से कमजोर हुआ चंद्रमा अशुभ फल नहीं देता है और आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो रात को सोने से पहले गाय का गुनगुना दूध पिए और सुबह गाय के दूध से बना मक्खन खाए तो आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
दोस्तों, अगर गुरु की दशा खराब या कमजोर हो तो गाय की सेवा और दर्शन से ही वह बलशाली हो जाता है। तो अगर आपका गुरु कमजोर है तो आप गाय की सेवा जरूर करें। और दोस्तों, अगर कुंडली में आपका शनि अशुभ है या सड़े साथी चल रही है तो काला तिल और उड़द पीसकर गेहूं के आटे में मिलाकर गाय को रोटी बनाकर खिलाना चाहिए। इससे आपका शनि मजबूत हो जाता है और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंस्पायरिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।